Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिकविजन के बूम बैरियर को इंस्टॉल। अब ये जो बूम बैरियर है वो 6 मीटर लेंथ का है। यहाँ पर एक स्कूल है जिसमें हमने इस बूम बैरियर को इंस्टॉल करना है। स्कूल की रिक्वायरमेंट इतनी सी है कि जब भी कोई व्हीकल आए उसकी डिटेल नोट करने के बाद वो मैनुअली विद द हेल्प ऑफ पुश बटन और रिमोट बैरियर को ओपन एंड क्लोज कर सके। तो फिलहाल रिक्वायरमेंट इतनी सी है, बट इन फ्यूचर वो जरूर इसे अपग्रेड करेंगे। अगर हम अपग्रेडेशन की बात करें तो इसके साथ आप एक्सेस कंट्रोल को भी इंटीग्रेट कर सकते हो और साथ में ANPR कैमरास को भी इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल उन्होंने मैन्युअली इसे ऑपरेट करना है। तो फटाफट से हम इसे इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे A to Z, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि कैसे हमने बूम बैरियर को इंस्टॉल करना है, कैसे हमने फोटो सेल लगाने हैं उसकी सेफ्टी के लिए, कैसे हम पुश बटन लगाएंगे, सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बनाएंगे बूम बैरियर की फाउंडेशन और काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है। फाउंडेशन हमने बना दिया और जो ये लाइन जा रही है ये फोटो सेल के ट्रांसमीटर की सप्लाई वायर के लिए है। वायर हम अंडरग्राउंड करेंगे इस तरीके से। और ये जो फाउंडेशन हमने बनाया है इसकी जो डेप्थ है वो 500 mm है, लंबाई चौड़ाई भी 500 mm है। और जो ये सिक्योरिटी रूम है यहाँ पर हम पुश बटन लगाएंगे बूम बैरियर के ओपन क्लोज के लिए। सो दिस इज नेक्स्ट डे और जो हमारी फाउंडेशन है वो प्रॉपरली सूख चुकी है और जो हमने फोटो सेल के लिए अंडरग्राउंड पाइप बिछाया था वो भी सूख चुका है। तो अभी हमने हिकविजन के बूम बैरियर पैनल को बॉक्स से निकाल दिया है, अनबॉक्सिंग कर दिया है इसकी। और मैं अगर इसका आपको बैक साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा बूम अटैच होगा और जो ये बूम रहेगा वो 6 मीटर का रहेगा। यहाँ पर देखिए इसका मॉडल नंबर है और जो ये आप एंटीना देख रहे हो ये बेसिकली रिमोट की सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए, आप रिमोट के थ्रू भी बूम बैरियर को ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। तो अभी हम इसका पैनल आपको दिखाते हैं ओपन करके। तो यहाँ पर हमारे पास की है इसको ओपन करने के लिए, तो फटाफट से इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप पैनल को ओपन करते हो आपको सबसे पहले फ्लैट वुडन का ये पीस दिखाई देता है जो कि केबल टाई से अटैच है। नीचे अगर आप देखें तो आपको रिमोट दिखाई देते हैं 2, जिससे आप बूम बैरियर को ओपन क्लोज कर सकते हो। बॉटम में बैरियर का कवर है। अब जो ये वुडन का पीस है ये बेसिकली बूम को हैवी करने के लिए यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ होता है वो आपको दिखाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आपको बैरियर की मोटर एंड नीचे PCB भी दिखाई देती है। अभी यहाँ पर हमारे पास है फास्टनर जो कि यूज़ होंगे इस फाउंडेशन के साथ अटैच करने के लिए हमारे पैनल को। सो, जो ये फास्टनर है ये इसी पैनल के साथ आए हुए हैं, तो इसको हम ओपन करते हैं एंड उसके बाद इस पैनल को हम ड्रिल करेंगे फाउंडेशन के अंदर। और आप ये मोटर देखिए, देखिए कितनी ज़्यादा शानदार नज़र आ रही है और जो पैनल की फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो, यहाँ पर हमने पैनल को रख दिया फाउंडेशन पर और 2 केबल, एक सप्लाई केबल और एक Cat6 केबल डाल दिया। सप्लाई केबल यूज़ होगी पैनल को सप्लाई देने के लिए, Cat6 केबल यूज़ होगी पुश बटन के लिए और दूसरी तरफ हम फोटो सेल के ट्रांसमीटर के लिए भी केबल डाल रहे हैं। सो, जो Cat6 केबल एंड सप्लाई केबल है वो इस पाइप के थ्रू सिक्योरिटी रूम में आ रही है और यहाँ पर हमारे पास पुश बटन है जो हम यूज़ करेंगे। सो, ये सेल हम लेके आए हैं रिमोट में लगाने के लिए। रिमोट के साथ कोई भी सेल नहीं आता है, आपको अलग से परचेज करना होगा। सो, यहाँ पर हमारे पास है रिमोट, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है और 3 इसमें बटन दिए गए हैं ओपन क्लोज एंड स्टॉप का। सो, अभी यहाँ पर हो रही है ड्रिलिंग। पैनल की जो मार्किंग है वो हमने ले ली है और अब प्रॉपरली से ड्रिल कर यहाँ पर अटैच करेंगे। सो, आफ्टर ड्रिलिंग आपको फास्टनर को इस तरह से यूज़ करना है। सिंपली आपने इसको इंसर्ट करना है फाउंडेशन के अंदर और उसके बाद प्रॉपरली से टाइट करना है। सो, हमने अगेन पैनल को फाउंडेशन के ऊपर रख दिया है फास्टनर के साथ। अभी देखिए हम इसे प्रॉपरली टाइट कर रहे हैं और 2 फास्टनर हमने ऑलरेडी टाइट कर दिए हैं। तो एक बार ये सारे अच्छे से टाइट हो जाएं तो हमारा जो पैनल है वो प्रॉपरली अटैच हो जाएगा फाउंडेशन के साथ। सो, यहाँ पर हमने बूम को अटैच कर दिया पैनल के साथ। इस तरह से आपने इसे प्रॉपरली अटैच करना है। और जो हमारा ये बूम था ये अराउंड 6 मीटर का था, बट हमने इसे एडजस्ट करके 5 मीटर का किया है। इसमें एडजस्टमेंट का स्लॉट होता है, आप कर सकते हो।
और जो वुडन का वो पीस था वो हमने यूज़ किया इस बूम के अंदर, और उसके साथ ही ये नट एंड स्क्रू के थ्रू हमने इसे टाइट किया है ताकि ये हैवी रहे। सो यहाँ पर हमने सप्लाई वायर के थ्रू इसे पावर दे दिया, फेस एंड न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए हैं। सो अभी बारी है पुश बटन कनेक्शन की। तो यहाँ पर हमने तीन कनेक्शन करने हैं, तो सिंपली हम थ्री वायर्स यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट वायर रहेगी वो ओपन की रहेगी, सेकेंड वायर स्टॉप की है वो हम नहीं यूज़ करेंगे, थर्ड वायर डाउन की और फोर्थ वायर ग्राउंड की। तो इन तीनों का कनेक्शन हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इस पोर्ट में कनेक्शन कर दिया है, इसको हम सिंपली प्लग इन करेंगे और पैनल की साइड से हमारे जो पुश बटन के कनेक्शन है वो हो जाएंगे। अब हमने इंटरनल जाकर जो सिक्योरिटी रूम है उसमें पुश बटन के कनेक्शन करने हैं। सो जो तीन वायर हमारी पैनल की तरफ से आई है उसको हम कनेक्ट करेंगे पुश बटन में। तो जो हमारी ग्रीन वायर है वो अप की है, ऑरेंज वायर हमारी डाउन की है और जो ब्लू वायर है वो ग्राउंड की है। तो आपने क्या करना है, देखिए जो ग्रीन वायर है उसको आपने ग्रीन पुश बटन में कनेक्ट करना है 11 नंबर पर, जो आपकी ऑरेंज वायर है उसको आपने रेड पुश बटन पे कनेक्ट करना है 12 नंबर पर, और जो आपकी ब्लू वायर है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं 23 और 24 किसी भी नंबर पर। तो नॉर्मली हर पुश बटन के यही कनेक्शंस होते हैं, सिर्फ आपने ये देखना है कि जो ग्राउंड वायर है वो आपने कहाँ लगानी है, या तो 23 पर लगेगी या 24 पर लगेगी, वो आपको कनेक्ट करने के बाद चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने लगाना है, क्योंकि हर पुश बटन के कनेक्शन अलग अलग होते हैं। सो नेक्स्ट कनेक्शन है फोटो सेल के। अब देखिए फोटो सेल को कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हम बूम बैरियर को डाउन की कमांड देते हैं और बाय चांस वहां पर कोई खड़ा है या कोई व्हीकल खड़ा है तो उस टाइम पर बैरियर को नीचे नहीं आना चाहिए, ये इंश्योर करना काम है फोटो सेल का। तो फोटो सेल से हमारी जो सेफ्टी है वो एनहेंस होती है। सो पैनल की साइड हम लगाएंगे फोटो सेल रिसीवर और जो उसका अपोजिट एंड रहेगा वहां पर हम लगाएंगे ट्रांसमीटर। अब आप कैसे इंश्योर करोगे कि कौन सा रिसीवर है और कौन सा ट्रांसमीटर है, देखिए जो ट्रांसमीटर होता है वहां पर आपको पांच कनेक्शन मिलेंगे। फर्स्ट टू कनेक्शन होंगे फेस एंड न्यूट्रल के, थर्ड कनेक्शन कॉमन का, और जो फोर्थ एंड फिफ्थ कनेक्शन है वो एनओ एंड एनसी के होंगे। सो हमने कनेक्ट किया है एनओ में नॉर्मली ओपन में, सो डैट अगर कोई भी बैरियर के नीचे आता है और रिसीवर को सिग्नल मिलना बंद हो जाता है तो रिसीवर मोटर को स्टॉप का सिग्नल भेजेगा और जो बैरियर है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। सो फोटो सेल के रिसीविंग एंड के कनेक्शन के बाद अब हम करेंगे फोटो सेल के ट्रांसमिटिंग एंड के कनेक्शन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिटिंग एंड पर सिर्फ दो ही कनेक्शन होंगे 12 वोल्ट प्लस एंड माइनस, सिंपली आपने ट्रांसमीटर को सप्लाई देनी है और उसके बाद आपका काम हो गया। सो अभी हम दोनों ही फोटो सेल के कनेक्शन पैनल में करेंगे। तो सबसे पहले हमने 12 वोल्ट देनी है दोनों ही फोटो सेल को, तो उसके लिए हमने ब्लू एंड ब्लू वाइट वायर को यूज़ किया है, और जो कम्युनिकेशन है उसके लिए हमने ग्राउंड एंड डीजी में कनेक्शन किए हैं, जिसके लिए हमने ग्रीन एंड ग्रीन वाइट वायर को यूज़ किया है। सो हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और जो बूम बैरियर है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुका है। आप इसे इजीली अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिमोट और विद द हेल्प ऑफ पुश बटन। तो हमने पुश बटन के भी कनेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, हम फोटो सेल के कनेक्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसकी सेफ्टी टेस्ट करने की बारी है और रिमोट कंट्रोल से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। सो सबसे पहले हम करेंगे इसका सेफ्टी टेस्ट। सो सेफ्टी टेस्ट के लिए मैं सिंपली बूम बैरियर को अप करता हूँ, तो ये मैंने अप का बटन दबाया। अब जैसे ही व्हीकल पास हुआ तो देखिए बैरियर ऑटोमेटिकली नीचे आएगा और ये नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये डाउन हो चुका है बूम बैरियर। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है फोटो सेल की वजह से। अब देखिए दोबारा से मैं इसे अप करता हूँ और अप करने के बाद मैं जो व्हीकल है उसको बैरियर के नीचे खड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने व्हीकल को बैरियर के नीचे खड़ा कर दिया। तो अब देखिए बैरियर थोड़ा सा नीचे हुआ, उसके बाद वापस से ऊपर हो गया। तो अगर मैं अब डाउन का भी बटन दबाता हूँ तो ये देखिए ये डाउन नहीं हो रहा है, मैं प्रेस कर रहा हूँ ये डाउन नहीं हो रहा है। अब जैसे ही व्हीकल पास होगा, अब ये व्हीकल पास हो गया तो ये ऑटोमेटिकली डाउन आ चुका है। अब ये हो रहा है फोटो सेल की वजह से, अब ये सेफ्टी फीचर है। तो अभी मैं इसे दोबारा से अप करता हूँ, तो ये मैंने अप का बटन दबाया और जो हमारा बैरियर है वो अप हो चुका है। अब ये ओपन कंडीशन में रहेगा जब तक मैं इसे वापस क्लोज नहीं कर देता, क्योंकि ये जो बैरियर है ये हमने मैन्युअली यूज़ के लिए बनाया है ताकि हम रिमोट से या फिर जो पुश बटन है उससे हम इसे ओपन क्लोज कर सके। लेकिन अब हमने सेफ्टी के लिए इसमें फ़ोटो सेल लगाए हैं, तो अब इस फोटो सेल की वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही कोई भी इससे पास होता है, अब ये देखिए लड़का इससे पास होगा,
तो पास होने के बाद ऑटोमेटिकली जो बैरियर है हमारा डाउन आ जाता है। ये देखिए अब ऑटोमेटिकली डाउन आ चुका है। सो अब जो ये स्कूल है इनकी रिक्वायरमेंट है कि ये चाहते हैं कि ये इन्हीं के अकॉर्डिंग ओपन हो। जब ये बटन दबा दे तो ये ओपन रहना चाहिए और जब तक ये क्लोज का बटन ना दबाए तो ये क्लोज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। जैसे पेचकस से ना यहाँ पे देखिए डीजी है ना, डीजी ये जो अपनी ग्रीन व्हाइट वायर है इसको हटा के एफ जेड में कर दे, खाली इसी को, ये ग्रीन वाली यही रहने दियो। सो अभी हमने कम्युनिकेशन कनेक्शन को चेंज कर दिया है, हमने डीजी से वायर निकाल कर एफ जेड में कर दिया है। तो अभी जो हमारा फोटो सेल है वो एज इट इज़ काम करेगा सेफ्टी फीचर के साथ, बट जब भी कोई व्हीकल पास होगा उसके बाद फोटो सेल बूम बैरियर को डाउन आने की कमांड नहीं देगा। तो अभी देखिए, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर दिया, तो अब ये गिरेगा नहीं। जाइयो पास होइयो इसके आगे से, हो तो हुआ। ये देखो सेंसर ने सेंस किया लेकिन ये गिरा नहीं। सेंसर सेंस कर रहा है कोई भी व्हीकल यहाँ से आ रहा है तो सेंसर सेंस जरूर कर रहा है उस व्हीकल को। जाइयो देखो अभी आवाज़ भी आएगी, क्रॉस कर यहाँ से। तो ये देखो सेंसर ने सेंस किया लेकिन जो हमारा बैरियर है वो नीचे नहीं आया, सिर्फ इस एक कनेक्शन से। अगर हम वापिस से जो एफ जेड वाली वायर है, जो ग्रीन वाइट हमारी वायर है, उसको हम डीजी में लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली गिरेगा क्रॉस होने के बाद, बट अभी नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है वाइंड अप, ये जो हमारा बूम बैरियर था वो लग चुका है। यहाँ पर हमने फोटो सेल्स लगाए हैं इसकी सेफ्टी के लिए कि अगर कोई नीचे आ जाए बैरियर के तो बैरियर ना गिरे। और एक जो ट्रांसमीटर है वो उधर लगा हुआ है, रिसीवर हमारा इधर लगा हुआ है, ये पूरा बैरियर है। और हमने पुश बटन कनेक्शन भी किए हैं यहाँ पर, देखिए आपको दिखाते हैं। पर ये पुश बटन कनेक्शन है, इसके थ्रू भी अगर ऑपरेट करना चाहे तो ऑपरेट हो जाएगा और रिमोट से भी ऑपरेट हो जाएगा। ये हमारे पास रिमोट है।